दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम टैक्स ऑडिट पर्पज से डेप्रिसिएशन चार्ट को एक्सेल में किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद में डेप्रिसिएशन की एंट्री को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि हम टैली सॉफ्टवेयर में वीजी सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों एक फ्रेशर अकाउंटेंट को जब वो टैक्स ऑडिट करवाता है तो उसको कौन कौन से पॉइंट कौन कौन से रूल उसको पता होना चाहिए, इसके ऊपर हमने एक सीरीज़ कंटिन्यू कर रखी है और इससे पहले हमने दो वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड भी कर दिए हैं जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था भी आपको कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रेडी करना है सी ऑफिस में जाने से पहले। और जस्ट लास्ट वीडियो हमने सीखा था भी हम ट्रेडिंग अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट को किस तरीके से मैनेज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भी एक्सेल में डेप्रिसिएशन के चार्ट को हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हमें आने चाहिए और उस जो डेप्रिसिएशन की हमारी अमाउंट बनती है उस अमाउंट को हम हमारी टैली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से मैनेज करते हैं, कौन कौन से लेजर हमें क्रिएट करने पड़ते हैं, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर प्रेस कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की इंपॉर्टेंट वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं भी डेप्रिसिएशन होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में हम इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया भी जब भी हम कंपनी के अंदर कोई भी एज एसेट हम परचेज करते हैं, एसेट का मतलब जिसे हम टैली सॉफ्टवेयर की भाषा में फिक्स्ड एसेट हम बोल देते हैं, तो यानी कि एक स्थायी संपत्ति। तो स्थायी संपत्ति का मतलब भी आपने कंपनी के लिए कंपनी के अंदर मोटरसाइकिल आपने परचेज किया है, कार परचेज करी है, फर्नीचर परचेज किया हुआ है या कोई मशीनरी आपने कोई परचेज कर रखी है, यानी कि जिसके जो हमने बिजनेस पर्पज यूज़ करने के लिए मशीनरी को हमने परचेज किया है, तो जो मशीनरी हमने परचेज करी है तो इनकम टैक्स का एक्ट ये कहता है भी एक सीमा के बाद में यानी कि एक तय लिमिट के बाद में वो जो आपने मशीनरी जो एसेट आपने परचेज कर रखी है उसका डेप्रिसिएशन आपको क्लेम करना पड़ेगा, यानी कि जो मशीनरी आपने खरीदी है उसकी वैल्यू को आपको डाउन करना पड़ेगा। अब वैल्यू डाउन करने का मतलब आ गया भी जो प्रोडक्ट आज आपने कोई 10,000 रुपये का खरीदा है तो वो उसकी कीमत हमेशा के लिए 10,000 रुपये नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू एक परसेंटेज के अकॉर्डिंग साल बाई साल डाउन होती जाएगी। किस तरीके से होगी वो इस वीडियो में हम समझेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। और जो डेप्रिसिएशन के जो रूल्स हैं इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर तो वो सारे के सारे यहाँ पर अभी कौन से जो एसेट है वो किस कैटेगरी में आती है और उसकी जो परसेंटेज है डेप्रिसिएशन की वो कितनी होती है, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फिक्स्ड एसेट का चार्ट जिसके अंदर आपको सारी वो टेबल्स मिल जाएगी कि कौन सी, जैसे कि फर्नीचर है तो फर्नीचर पर आपको 10% का डेप्रिसिएशन मिलता है, अगर आप कोई मशीनरी वगैरह कुछ यूज़ करते हो तो मशीनरी की अंडर के अंदर कौन कौन से एसेट आप कवर कर सकते हो जैसे कि मोटर कार अदर देन, इन सब पे आप 15% का डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, यानी कि रूल के अकॉर्डिंग जो एक इसकी जो परसेंटेज है उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, उससे आप कम कर सकते हो, यानी कि 15% है तो आप 16% नहीं कर सकते, 14 कर सकते हो, 10 कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि हमने इस टैली सॉफ्टवेयर के अंदर एक फिक्स्ड एसेट के रूप में आप देख सकते हो हमने एक बाइक मोटरसाइकिल परचेज करी हुई है और परचेज हमने दो बार करी हुई है, दोनों की एक बार हम डेट को देख लेते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड कंपनी से एक तो हमने 15 जून 2022 को है और 31 अक्टूबर 2022 को है, एक जो वैल्यू 50,000 रुपये की और सेकेंड टाइम परचेज किया उसके 60,000 रुपये की फॉर एंट्री को समझने के लिए। तो दोस्तों जब भी हम डेप्रिसिएशन के चार्ट को हम देखें तो चार्ट के अंदर सबसे पहले हमें करना क्या होता है भी आपको इसको डिजाइन किस तरीके से करना है, ये मैंने काफ़ी बार इस एक्सेल पे वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो और ये ज़रूरी नहीं है आपको एज इट इज बनाना, आप एक सिंपल तरीके से भी बना के देख सकते हो एंट्री करने के पर्पज़ से। तो सबसे पहले हम चार्ट को देख लेते हैं भी क्या होता है, सबसे पहले नेम ऑफ एसेट यानी कि क्या क्या एसेट आपके पास में है, उसके बाद में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि इसके ऊपर कितने परसेंट का डेप्रिसिएशन है जो चार्ज किया जाता है, जैसा कि मोटरसाइकिल 15%, जनरेटर 15%, कार 15%, फर्नीचर 10%, तो वो आपको PDF फाइल में से या आप अपने किसी टैक्स प्रोफेशनल से जानकारी लेके भी यहाँ पे टैक्स रेट को लिख सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे एक्चुअल कैश ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि ये हमारे पास में था लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग हमारे पास बचा हुआ था उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी पड़ती है। अब मान लीजिए कोई ऐसी एसेट थी जो आपके पास पहले नहीं थी, आपने साल के ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेज करी है, तो जो ड्यूरिंग द ईयर आपने जो परचेज करी है
तो वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा भी डेट ऑफ एडिशन, यानी कि जो परचेज की जो डेट है वो कौन सी है, और उसके बाद के अंदर मोर देन 180 डेज है या वो लेस देन 80 डेज 180 डेज है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग जो ईयर्स जो मानते हैं वो 360 दिन का मानते हैं, और 360 का मतलब हो गया भी 180 दिन पहले के और 180 दिन बाद के, यानी कि फर्स्ट सिक्स मंथ और सेकेंड सिक्स मंथ, और फर्स्ट छः महीने का मतलब हो गया भी 1 अप्रैल से ले के और 30 सितंबर तक, और सेकेंड का मतलब हो गया भी 1/10 से ले के 31 मार्च तक, यानी कि ये जो पहले 6 महीनों के 180 दिन और बाद के 6 महीनों के 180 दिन, तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है भी मोर देन यानी कि पहले के 6 मंथ के और लेस देन यानी कि बाद के 6 महीनों की डिटेल, यानी कि आपने कौन से वन जो 6 मंथ है कौन से मंथ के अंदर आपने परचेज करी है। तो जिस मंथ के अंदर हमने परचेज करी है, जैसा कि हम इसको टेली सॉफ्टवेयर को देखते हैं, तो ये बाइक हमारे पास ओपनिंग में कुछ भी नहीं था, हमने ड्यूरिंग द ईयर ये परचेज करी है, तो हम इसको ओपनिंग से यहाँ से इसको हटा देते हैं, एक बार हमने कर दिया 0। और उसके बाद में डेट ऑफ परचेज हम देखते हैं, तो एक डेट है हमारे पास 15 जून 2022, यानी कि ये 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर का जो फर्स्ट पहले 180 दिन है उसके बीच के अंदर कवर हो रही है, तो ये 50,000 रुपये की जो वैल्यू है ये हम रखेंगे पहले वाले के अंदर। और उसके बाद के अंदर हमने जो सेकंड परचेज किया सेकंड बार इसको, वो 30 अक्टूबर को, यानी कि अब ये बाद वाले लेस देन के जो 180 डेज है उसके अंदर कवर हो रहा है, तो ये आएगा हमारा सेकंड के अंदर 60,000 रुपये का। तो इसका मतलब हो गया भी टोटल हमारे पास जो एसेट हमने परचेज किए वो 1,10,000 रुपये की करी है। अब इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन का क्लेम हमें मिलना है वो कितना मिलेगा, यानी कि जो पहले 180 दिन और अगर ओपनिंग अगर आपके पास पड़े हैं तो दोनों को मिला के आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा पूरा 15% का। और अगर आपने लेस देन 180 डेज के यानी कि बाद के 6 महीनों के दौरान अगर आपने एसेट परचेज करी है तो उसका जो नेट है यानी कि 15% है, तो जस्ट उसका आधा आपको मिलेगा 7.5% का। तो टोटल अब डेप्रिसिएशन हमारे को कितना मिलने वाला है हम देखते हैं इसको, यानी कि सबसे पहले अगर बात करें भी मोर देन 180 डेज, यानी कि मोर देन 180 डेज की वैल्यू थी हमारे पास में 50,000 रुपये का, तो उसके ऊपर हमें 15% का पूरा 7,500 रुपये का डेप्रिसिएशन मिलेगा। और उसके बाद में जो हमने सेकंड टाइम में जो ये बाइक हमने परचेज करी थी वो 180 दिन बाद वाले 6 मंथ में करी थी, तो इसका डेप्रिसिएशन हमें यह मिलेगा 4,500 रुपये का। तो यानी कि कुल मिला के टोटल हमारे पास जो डेप्रिसिएशन हमें मिलने वाला है वो मिलेगा 12,000 रुपये का, यानी कि 7,500 और प्लस 4,500 रुपये का। तो अब कहने का मतलब आ गया, ये आ जाएगा क्लोजिंग WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू। था अब आपके पास जितनी आपने प्रॉपर्टी परचेज करी थी, ये एसेट आपने परचेज किया था 1,10,000 रुपये का, तो अब उसकी वैल्यू 98,000 रुपये की रह चुकी है, यानी कि ये इतना उसका डेप्रिसिएशन हो चुका है। यानी कि एक तरीके की हम कह सकते हैं भी जो एसेट आपने 1,10,000 रुपये की परचेज करी थी उसके ऊपर 12,000 रुपये का जो मूल्यह्रास है, जो हम इसको हम कह सकते हैं इसकी घिसावट है, वो हो चुकी है। अब आपकी प्रॉपर्टी अब जो बाइक की वैल्यू है वो 98,000 रुपये की रह चुकी है। तो अब ये 12,000 रुपये का हमें करना क्या होगा, तो क्या हमें जो डेप्रिसिएशन की जो एंट्री करनी है वो अलग अलग करनी है या फिर हम एक साथ इकट्ठी कर सकते हैं, तो इसके लिए हम चलते हैं टेली सॉफ्टवेयर में। तो टेली सॉफ्टवेयर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डेप्रिसिएशन के नाम से हमें लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट पर जाएंगे, लेज़र पर हम जाएंगे और यहाँ पर डेप्रिसिएशन के नाम से एक लेज़र क्रिएट करेंगे, डेप्रिसिएशन, और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ये ध्यान में रखना है हमें, और GST इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, तो हम इसको रखेंगे नॉट एप्लीकेबल, TDS के ऊपर भी नॉट एप्लीकेबल ही रहता है। तो ये हमने डेप्रिसिएशन का एक लेज़र क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद में हम वाउचर पे चलते हैं, और वाउचर पे जाने के बाद हमें जर्नल एंट्री करनी है। अब ये जर्नल एंट्री आपको ईयर एंड पे करनी होगी, ईयर एंड का मतलब 31 मार्च को, यानी कि 31/3/2022 को आप अपने बुक्स में एंट्री करोगे। अब एंट्री कैसे करेंगे, फिर हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, कितने रुपये का, 12,000 रुपये का। अब हमें यहाँ पर अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, भी हम 7,500 रुपये की एंट्री अलग करें और 4,500 रुपये की एंट्री अलग करें, क्योंकि ये एक बार ही एंट्री होनी है, कोई मंथ वाइज एंट्री होती नहीं है। तो 12,000 रुपये को हम करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट और
जो मोटरसाइकिल के नाम से हमने फिक्स्ड एसेट का जो लेज़र हमने क्रिएट किया था उसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो अब हम वापस बैलेंस शीट पे जाके देखते हैं। तो जैसे हम बैलेंस शीट पे जाएंगे तो जो हमारे पास अभी फिक्स्ड एसेट के अंदर 1,10,000 रुपये की जो वैल्यू आ रही थी अब वो भी 98,000 रुपये की रह चुकी है। अब इसकी एंट्री अगर हम यहाँ पर जाके देखें तो आप देख सकते हो ये टोटल हमारे पास टोटल वैल्यू थी 1,10,000 रुपये की, 12,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हो गया और ये क्लोजिंग बैलेंस अब बच चुका हमारा 98,000 का और ये हमारा एक्सेल के अंदर है। अब हम बात करते हैं भी एक्सेल के अंदर हमने ऐसा कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ किया जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया। तो जो आपने फॉर्मूला जो यूज़ करना ना वो केवल करना है डेप्रिसिएशन वाली कॉलम के अंदर। तो हम एक बार डेप्रिसिएशन को थोड़ा सा कलर अलग कर देते हैं हम इसका ताकि आपको समझ सको, या थोड़ा सा ब्लू कर देते हैं। इसकी वैल्यू को हम यहाँ से कर देते हैं, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद में ये जो है इसको कलर कर दें। अब ये देखो अब हमने किया क्या हुआ है भी यहाँ पर दो अलग हमने ये येलो कलर को किया हुआ है। यहाँ पर देखो आप देखिए टोटल टोटल का मतलब एक तो ओपनिंग आपके पास कितना था और प्लस उसके बाद मोर देन 180 डेज यानी कि उसके बाद 100 पहले 180 दिन के अंदर आपने टोटल परचेज कितनी कर ली। तो अब हमारे पास ओपनिंग में तो कुछ था ही नहीं, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने यहाँ पर किया था 50,000 रुपये और सेकेंड में था हमारा 60,000 रुपये। तो अगर हमारे पास ओपनिंग होता मान लीजिए 40,000 रुपये की हमारे पास कोई ओपनिंग भी आ रही है तो 40,000 अगर हम यहाँ लिखेंगे तो आप देखोगे भी हमारे पास टोटल हो गया 90,000 रुपये का और बाद में 60,000 वाला पड़ा है। और उसके बाद में एक कॉलम आपको और यहाँ पर डालना पड़ेगा वो आएगा डिडक्शन का या कोई एडजस्टमेंट का। डिडक्शन एडजस्टमेंट का मतलब मान लीजिए आपने ये बाइक परचेज करी है और हो सकता है बाइक आपने बीच के अंदर इसको रीसेल भी कर दी हो तो उस बाइक का आपने बिजनेस पर्पज़ के लिए कितने टाइम आपने इसको यूज़ किए हैं तो वो भी आपकी जो वैल्यू है ये जो टोटल हमारा आता है इसके अंदर लेस हो जाएगी और लेस होने के बाद के अंदर आपको डेप्रिसिएशन है जो उसका क्लेम मिलने वाला है यानी कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा वो नेट अमाउंट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। तो अब देख सकते हैं 90,000 हो गया और 90,000 रुपये का हमारा 15% 13,500 रुपये का हो गया। तो हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पर तो हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया आप देख सकते हो F11 प्लस C11। तो यानी कि C11 का मतलब हो गया ओपनिंग और F11 का मतलब हो गया भी ये जो एडिशन जो हुआ है हमारा साल के दौरान उसकी वैल्यू। तो ये दोनों का टोटल होके यहाँ पे आ रहा है और इसके ऊपर हम बात करें भी टोटल लेस देन का तो ये जो लेस देन की अमाउंट है इसके ऊपर हमने इसको लिंक किया हुआ है। अब लिंक करने से आप देख सकते हो भी यहाँ पर वैल्यू G11 की आ रही है तो G का ये कॉलम आ गया और 11 नंबर हमारी रो आ गई तो ये अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिक है जो आ जाएगी। और उसके बाद में जो हमने डेप्रिसिएशन के ऊपर जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है उस फॉर्मूले को हमने क्या किया हुआ है आप ये देखते हो 13,500 इसका फॉर्मूला हम देखें तो इसने क्या किया हुआ है K11 × B11 यानी कि K11 का मतलब आ गया भी यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसको ये इस परसेंटेज वाला जो हमने कॉलम यहाँ पर तैयार किया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देगा यानी कि इस वैल्यू का 15% यहाँ पर निकाल देगा। और लेस देन वाले के अंदर हमने क्या किया हुआ है आप देख सकते हो भी L11 B11 / 2 यानी कि जितना हमने इस कॉलम के अंदर जो अमाउंट आएगी उसको हमने 15% से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया 2 से यानी कि जस्ट हमें उसका डेप्रिसिएशन है जो आधा मिलने वाला है। तो आधा जैसे हम आधा की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब हम आपको एक फॉर्मूला लगा के भी दिखा देते हैं। जैसा कि हमारे पास एक सेकेंड आइटम है, सेकेंड एक ऐसे है सभी फॉर्मूलों को हम एक बार यहाँ से हटा देते हैं। अब उसके बाद में अब मान लीजिए ये वैल्यू आ गई हमने किया हुआ है 5,000 हमारे पास ओपनिंग है और उसके बाद में 25,000 रुपये की हमने एडिशन कर ली और उसके बाद में एक एडिशन हमने 30,000 रुपये की लेस देन के बाद के अंदर भी कर दी। तो अब सबसे पहले अब यहाँ पर आपको टोटल वाले फॉर्मूले के अंदर क्या यूज़ करना है इन दोनों का टोटल कर देना है इस अमाउंट का और 25,000 रुपये का। तो फॉर्मूला करने के लिए आपको इक्वल का निशान आप 5,000 रुपये वाली सेल के ऊपर क्लिक कर दो, प्लस का निशान दबा दो और उसके बाद में जो मोर देन 180 डेज वाला जो सेल है उस पर क्लिक करके एंटर प्रेस कर दो तो यहाँ पर आपकी 30,000 रुपये की टोटल आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं 35,000 रुपये कर देते हैं और उसके बाद के अंदर हम देखते हैं भी टोटल लेस देन जो 180 डेज का जो अमाउंट है वो कितना है इक्वल का निशान और ये तो हमारा एक ही रहना है
एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर ये 35,000 रुपये आ गया। अब हमें इसका फॉर्मूला यूज़ करना है, भी पहले 180 दिन वाले का डेप्रिसिएशन अलग कैलकुलेट हो जाए और जो लेस देन है वो 180 डेज का जो डेप्रिसिएशन है वो अलग से कैलकुलेट हो जाए। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, भी इस अमाउंट का हमें 15% कैलकुलेट यहाँ पर करवाना है इस सेल के अंदर। तो इस सेल के अंदर हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं इक्वल का निशान, आप इस सेल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, मल्टीप्लाई यानी कि इनटू का निशान लगा दीजिए गुणा का, और आपको ये जो डेप्रिसिएशन वाला परसेंटेज हमने यहाँ पर दिया हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करके एंटर प्रेस करेंगे ये 30,000 रुपये का 15% कैलकुलेट कर देगा, और उसके बाद में जो लेस देन वाला है इस पर हम इक्वल का करेंगे, और इसके बाद हम इस अमाउंट पर हम क्लिक करेंगे, लेस देन 180 डेज वाले पे मल्टीप्लाई कर देंगे वापस इसी डेप्रिसिएशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को, और डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि जस्ट इसका आधा होना चाहिए। अगर हम इसको पूरा कर देंगे तो ये 4500 पूरा हो जाएगा, जबकि हमें 4500 नहीं करना, इसका जस्ट हाफ करना होगा। और उसके बाद में यहाँ पर जो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा, टोटल डेप्रिसिएशन के अंदर हम क्या करेंगे, मोर देन 180 डेज और लेस देन 180 डेज को टोटल कर देंगे। अब टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल का निशान दबाएंगे, आपका इस डेप्रिसिएशन के अमाउंट पे क्लिक करना है और इस अमाउंट पे आपको क्लिक करना है, तो यानी कि इन दोनों सेल को आपको जोड़ देना है, तो उसके बाद में 7,125 रुपये का टोटल आ जाएगा। और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस के अंदर आपको क्या करना है, फिर टोटल वैल्यू आपको जोड़ देनी है, 30,000 प्लस 35,000 और माइनस जितना आपका डेप्रिसिएशन है वो ऑटोमेटिक कम हो जाना चाहिए। एंटर प्रेस करेंगे तो अभी आप देख सकते हो भी टोटल आपके पास जो वैल्यू थी वो थी 30,000 रुपये की तो एक थी और 35,000 रुपये की एक थी, तो टोटल 65,000 रुपये की रहेगी, और 65,000 में से आपका डेप्रिसिएशन यानी कि इसकी जो घिसावट है वो 7,125 की हो चुकी है, तो 65,000 में 7,125 अगर माइनस करेंगे तो ये 57,875 रुपये का आपका इस एसेट का क्लोजिंग बैलेंस रह जाएगा। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये नेक्स्ट ईयर का जब हम डेप्रिसिएशन चार्ट बनाएंगे तो उसका ये ओपनिंग बन जाएगा, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर ये ओपनिंग के अंदर लिखा था, यानी कि हर लास्ट के अंदर हर साल आपका इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू है जो डाउन बाई डाउन होती जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से जरूर आपको कुछ नॉलेज मिला, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ तो प्लीज़ वो भी कर लेना। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट की रिप्लाई देने की।